Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटी मैनेजमेंट एंड पॉलिटी की जानकारी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अजय ठाकुर। दोस्तों मेरे साथ में आज हमारे भोपाल मध्य प्रदेश से विदिशा से कुछ यूट्यूबर भाई आए हैं जिन्हें पोल्ट्री फार्म खोलना है और जो जानकारी चाहिए थी तो इनने मेरा नंबर कलेक्ट करके और जानकारी उठा के मेरे पास आए। मैंने आज इनको पोल्ट्री फार्म का विजिट कराया है और इसके बाद में ये दाना बनाने की मशीन जो हमारी होती है इसके बारे में मैं इन्हें जानकारी देने वाला हूँ। तो ये वीडियो दोस्तों आज जो भी पोल्ट्री फार्मर जो भी लोग पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हैं या पोल्ट्री फार्म खोलने का मन बना रहा है उनके लिए बहुत उपयोगी है। तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखना जरूरी होता है। तो आइए मैं मिलवाता हूँ हमारे यूट्यूबर भाइयों से दोस्तों से। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों मैं इनसे परिचय करवा देता हूँ। ये सुनील राजपूत जी सलामतपुर से और ये सर क्या नाम है आपका? पवन मेहरा जी, ये भी सलामतपुर से, आप भी सलामतपुर से। आप सर? रूपेंद्र पाल जी, ये भी विदिशा सलामतपुर से हैं और ये इनके साथी क्या नाम आपका? मुकेश ठाकुर। अच्छा, तो ये हमारे यूट्यूबर भाइयों से परिचय करवा रहे थे। दोस्तों हमने नई पहल चालू की है कि जो भी अगर आपका विशेष सब्जेक्ट है तो या तो हम उस पर वीडियो बनाकर दें और यदि आप आने में आ सकते हो या मिल सकते हो तो हम हर तरह से आपको जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं लाइव। तो अब मैं ये आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारी मशीन है, ये देखिए दिखाइए पास है दोस्तों। इसे ग्राइंडर बोलते हैं और इसकी प्राइस है 15,000 रुपये। ये मार्केट में मोटर छोड़ के 15,000 रुपये में आपको उपलब्ध हो जाएगी। ये इतनी बढ़िया है दोस्तों मशीन, ये एक घंटे में 1 टन दाना बनाती है, 8 से 10 क्विंटल दाना एक घंटे में आराम से ये बनाती है। और इसके बाद में इसमें 3 प्रकार की जालियां लगती हैं, ये देखिए इसमें एक जाली ये लगी है, इस प्रकार की 3 जालियां लगती है और ये प्री स्टार्टर की है। 3 प्रकार का दाना बनाता है, बनाना पड़ता है पोल्ट्री में हमें, प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर। जब छोटा बच्चा रहता है तो प्री स्टार्टर खिलाते हैं उसे हम 400 ग्राम के लगभग, इसके बाद में फिनिशर स्टार्टर खिलाते हैं, इसके बाद में फिनिशर खिलाते हैं। ये किस तो काम के लिए? ये क्या है कि बारीक दाने के लिए बारीक जाली लगाना पड़ती है, इससे जब बच्चा चूजा छोटा रहेगा तो क्या ज़्यादा मोटा दाना नहीं खा पाता, तो बारीक दाने के लिए ये लगाई जाती है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर दूसरी दाने लगाते हैं इसको। अभी जैसे आपने बताया इसकी कीमत, ये फर्स्ट है या सेकंड है? नहीं, ये नई मतलब जो बना के देते हैं इसको 15,000 रुपये में नई बना के हमें मार्केट से उपलब्ध हो जाती है। और ये जैसे कि आपने मोटर दिखाई, इसकी कीमत क्या होगी? मोटर की कीमत ये है कि मार्केट में ये हमारे पास तो पुरानी मोटर रखी थी, हम पहले चरखा चलाते थे तो उसकी 5 हॉर्स पावर की मोटर थी, शायद इसकी कीमत भी 7-8 हज़ार के आसपास होना चाहिए, 10,000 के आसपास होना चाहिए। ये 5 हॉर्स पावर की, मैं यहाँ पे 10,000 वट की पोल्ट्री का काम करता हूँ, 10,000 का दाना बनाता हूँ। इन्वर्टर से भी यूज हो जाता है? नहीं, इन्वर्टर से नहीं चलती है, या तो आपको इसको लाइट से 3 फेज लाइट से चलाना है या जनरेटर से आप उसको चला सकते हैं। इसमें जैसा कि मक्के का दाना और कुछ भी यूज होता है? इसमें देखिए हम इसको विशेष तो पोल्ट्री का फीड बनाने में उपयोग करते हैं। नहीं, उसी से संबंधित है, मुर्गों के लिए। मुर्गों के लिए तो कंप्लीट फीड बनता है, देखिए आप मक्का पीस सकते हो उसमें, मक्का और सोयाबीन के जो निकलने वाले DOC बचती है, DOC और इसमें ऑयल मिलाना होता है, सोया जो हम खाते हैं कच्चा ऑयल वो मिलाना होता है और एक दाना आता है 10% वो दाना इसमें मिलाते हैं, तो इसको सबको मिक्सिंग करके मिक्स करके फिर होता है, फिर इसको मैं पीसते हैं। तो ये आराम से 1 घंटे में 1 टन दाना बना देती है आपका, 1 घंटे में जी, यानी 10 क्विंटल दाना अपनी जरूरत के अनुसार जी पीसते रहिए। तो इससे एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि जितने भी 90% पोल्ट्री सक्सेस पोल्ट्री फार्मर है रूपेश जी, वो ही पोल्ट्री फार्म सक्सेस पोल्ट्री फार्मर सक्सेस हुए जिसने अपना खुद का दाना बनाया, क्योंकि आप यदि दूसरे से दाना खरीदते हो तो आपको पता नहीं है कि वो कैसी मक्का मिला रहा है, कैसा DOC मिला रहा है, कैसा फीड बना के दे रहा है, सही मात्रा में मिला रहा है कि नहीं मिला। यदि क्वालिटी अपने हिसाब से, हम खुद दाना बनाएंगे, हम खुद खाना बनाएंगे, मान लो अपने खाना बनाएंगे तो हमें पता
पता है ना कि हमने मिर्च कितना मिलाया, नमक कितना मिलाया, हल्दी कितना मिलाया, मसाला कितना मिलाया। इसी प्रकार फीड हम खुद बनाएंगे तो हमें पता है कि हमने बेस्ट मक्का किस क्वालिटी की मिलाई है, DOC किस क्वालिटी की मिलाई है, ऑयल पूरा मिलाया कि नहीं मिलाया है, इसके बाद में 10% मिलाया कि नहीं, मिक्सिंग सही से की कि नहीं की है, पीसा किस हिसाब से है। और यदि वही फीड आप दूसरे से लेते हो तो आपको क्या पता उसने क्या मिलाया। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी उपकरण यूज होते हैं? नहीं, ये दाना बनाने में यही होता है और आपको खुद का फीड बनाना ही बनाना चाहिए, क्योंकि यदि आपने दूसरे से फीड खरीदा और अगर उसमें मान लो गीली मक्का मिला दी, फंगल वाली मक्का मिला दी, सुली मक्का मिला दी, या और कोई भी आइटम उसमें कच्चा माल जो है कि कमजोर या हल्का मिला दिया, अगर मक्का ही खराब मिला दी तो बच्चों में टॉक्सी आ जाती है, उसके जो दाने की थैली होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और दाना खराब होने लगता है, जिससे बच्चे की मोर्टिलिटी होने लगती है, तो बच्चे मरने लगते हैं। तो इसलिए जो भी आहार हम देते हैं तो पोल्ट्री में विशेष सक्सेस यदि होना है तो परेशानी से न डरे, एक बार की परेशानी है, एक बार में आपको सीखने को मिलेगा अच्छे से। आप अपना खुद का ये ग्राइंडर मशीन लीजिए और इसके बाद में खुद का दाना बनाइए तो आपका पोल्ट्री फार्म आपके सक्सेस होने के और मुनाफे के ज़्यादा चांसेस होते हैं ये। और इसकी अपेक्षा बड़े पोल्ट्री फार्म, इससे आप 50,000 तक की पोल्ट्री का काम कर सकते हो। आप बड़े पोल्ट्री फार्म 1.5-2 लाख की मशीन आती है, खुद मिक्सिंग करके बनाती है, उससे भी बनाते हैं, लेकिन यदि आप छोटे हैं तो कम इन्वेस्ट में ही अच्छी मशीन। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू। कैसा लगा आपको हमसे मिलकर? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत जानकारी कैसी लगी? अच्छी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि रुपेश जी, सुनील जी को जिस प्रकार से वीडियो हमसे हमारी जानकारी अच्छी लगी, आपको भी वीडियो हमारा पसंद आएगा और जानकारी अच्छी लगेगी। यदि आप पहली बार चैनल पर आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपका कोई सब्जेक्ट है तो हमें बताएं, हम इसी तरह से उस पर वीडियो बना के डालेंगे। और वीडियो पसंद आए तो अन्य दोस्तों को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।